मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साप्ताहिक राशिफल से पहले मैं आज आपको कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर अगर हम अमल नहीं करते हैं तो हमारी सुख समृद्धि में कमी आ जाती है। हमारा जो संपूर्ण जीवन है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनैतिक हो, वो जीवन हम नहीं चला पाते हैं, उसे सुचारू ढंग से कभी भी नहीं चला पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। सबसे पहली बात कि जहाँ मूर्खों को नहीं पूजा जाता और ज्ञानियों का सम्मान होता है, वहाँ पर धन संपत्ति की निरंतर वृद्धि होती रहती है। जहाँ ज्ञानियों को पूजा जाता है और उनको बातों में, उनकी बातों को अमल में लाया जाता है, वहाँ से विपदा दूर होती है। मनुष्य को अमीर मूर्ख की पूजा करने की बजाय ज्ञानी अगर गरीब भी है तो उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। दूसरी बात, अन्न का कभी भी निरादर न करें। जहाँ पर भी अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं किया जाता, जहाँ अन्न का सम्मान होता है, ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी सदैव ही विराजती है। लेकिन जहाँ पर अन्न का अपमान किया जाता है, अन्न को बर्बाद किया जाता है, वहाँ पर कभी भी सुख समृद्धि धन धान्य का वास नहीं हो सकता। अन्न लक्ष्मी का स्वरूप है और देवता भी इनका आदर करते हैं, इसलिए अन्न का एक भी दाना बर्बाद न हो, इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। अगला है पति पत्नी में प्रेम। जहाँ पर पति पत्नी में प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच किसी भी तरह की कटुता नहीं होती, सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है, ऐसे दंपतियों के पास धन धान्य और सुख समृद्धि का भंडार रहता है। उनके पास चाहे कम भी आए, पैसा भी कम आए, चाहे उनके घर में किसी भी तरीके की परेशानी हो, लेकिन वो हमेशा खुश नजर आते हैं। अगर आपसी समझदारी हो तो पैसे की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बातें होती हैं, मन में कटुता होती है, वहाँ लक्ष्मी लंबे समय तक नहीं ठहरती है। अगला है, अगर हम धन धान्य का, हम लक्ष्मी का अपमान करते हैं, घर में कलेश रहता है या फिर किसी भी गलत कार्यों में धन खर्च किया जाता है, ऐसे लोगों के पास धन हमेशा कम ही रहता है, हमेशा उनके पास धन की कमी ही रहती है। इसलिए यदि सुख समृद्धि का वास चाहिए तो धन धान्य का संचयन करना चाहिए और धन के अपव्यय से बचना चाहिए। व्यर्थ के खर्चे, अनावश्यक खर्चे कभी भी नहीं करने चाहिए, इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर लक्ष्मी आपसे नीचे, अगर आपसे आपका धन नीचे गिर जाता है तो उसे उठाकर चुचकारिए, उसे अपने माथे से लगाइए, उसके बाद उस धन का उपयोग करिए। धन माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो आपके हाथ में पैसा है उसे माँ लक्ष्मी समझकर भी आप इस्तेमाल कीजिए तो आप देखिए आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि हमारा साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है हमारे पूरे आने वाले पूरे हफ्ते को लेकर। सबसे पहली राशि रहेगी मेष राशि। मेष राशि के लोगों को उस सप्ताह के शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कार्यस्थल पर आपके कंधों पर भारी काम का बोझ होगा। कारोबारी लोग नई परियोजना शुरू कर सकते हैं, उसे चलाना बहुत ज़्यादा उनको भारी भी पड़ सकता है। इस सप्ताह छात्र बहुत प्रगति करेंगे और इस सप्ताह बच्चा होने के आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। आपको संपत्ति से संबंधित मुद्दे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ कार्यस्थल पर बहस और झगड़ा बिल्कुल भी न करें।
अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह अनावश्यक और व्यर्थ के तनावों से जूझना पड़ेगा। यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर आएगा। आपको हर समय सर दर्द, शरीर में दर्द से जूझना पड़ सकता है। आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा की जाएगी, इसलिए आपको अपना निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। आप संपत्ति से संबंधित कुछ लाभ बना सकते हैं। आप बिल्कुल बेकार गतिविधियों पर अपना समय बर्बाद करने की संभावना रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपकी भाषा के चलते आपके और आपके परिवार के बीच तनाव होने की संभावना है। आप अनचाहे खर्चों से बेवजह परेशान हो सकते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को इस सप्ताह में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपको व्यायाम करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका काम सुचारू रूप से प्रगति करे, तो आपको अपने आप पर संयम रखना होगा। वेतनभोगी लोगों को कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो आपको वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ बहस में बिल्कुल भी ना पड़ें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। छात्रों के लिए यह सप्ताह औसतन रहेगा। सप्ताह के अंत में कुछ तनाव हो सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और आपको अपने आलस का सामना करना पड़ सकता है और फिजूल पैसे खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहकर ही अपने पैसों का खर्च करना चाहिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को अपने पैसे के समस्याओं का समाधान निकालना होगा। आज कार्य क्षेत्र में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अगर लाभ कमाने के लिए अपने व्यवसाय में बहुत महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हो, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको घाटा सहना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन साथी या फिर विज्ञापन व्यवसाय के साथी के साथ राय अंतर से निपटना पड़ सकता है। सेहत से जुड़ी समस्या होने की संभावना है, जिसकी वजह से आपको गंभीर चोट भी लग सकती है। अगर कोई अच्छी खबर की वजह से आप अच्छा महसूस पूरे सप्ताह में कर सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में चीज़ें अनुकूल होंगी। आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आप धार्मिक कार्यों में अधिक भाग ले सकते हैं। छात्रों के लिए यह सप्ताह सुस्ती से भरा हुआ हो सकता है। आपके बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वरना यह एक चिंता का विषय बन सकता है। आप अपने साथी के प्रति अधिक स्नेह महसूस करेंगे। सरकारी परियोजनाओं के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ राहत मिलने की संभावना है। आपके भाई बहन आपके साथ पर्याप्त रूप से सहयोग करेंगे। मौद्रिक लाभ कमाने से अचानक मौके मिलेंगे। जो लोग नौकरी खोजने या फिर नया व्यवसाय शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपके खर्च में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है। छोटी दूरी की यात्राएं होंगी और अपनी माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपकी कमाई में लाभ होने की संभावना है। आपकी वित्तीय स्थिति में और सुधार हो सकता है। सरकार के क्षेत्र में आप काम कर रहे लोगों के लिए राजनीतिक विशेष लाभ दे सकती है। आप में से कुछ एक नई जगह पर स्थानांतरित हो सकते हैं और उच्चतर पद पर आपको प्राप्त हो सकता है। आपका पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। आप बिना वजह की टेंशन से भी जूझ सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने कार्यस्थल और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में सम्मानित किए जाने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपका आपके बॉस के साथ संबंध अच्छा बना रहेगा। आप में से कुछ अत्यधिक अवसरों पर प्रतिष्ठित भी हो सकते हैं। छात्रों के लिए यह औसत सप्ताह होगा। सप्ताह के मध्य में आपके लिए कुछ तनाव आ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने भाषण और आचरण पर संयम रखें। आपको बिन वजह का गुस्सा आने की संभावना है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें।
अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लोगों को शुद्ध रूप से अचानक लाभ होने की संभावना है। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप इस सप्ताह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राजनीतिक और सरकार से संबंधित परियोजना में आपको सफलता मिल सकती है। किसी काम को लेकर आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल से गुजरने वाले हैं। आपको परिवार वालों के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, वरना कुछ गलत हो सकता है। अपने भाषण पर एक सख्त जांच बनाए रखें। आपकी धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी। सप्ताह का अंत वित्तीय लाभ लेकर आ सकता है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लोगों को सप्ताह के शुरुआत में कुछ समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इस सप्ताह आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपको स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है। आपको उचित सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों से बात करते समय भाषा कठोर हो सकती है। अगर आप कानूनी तकरार में शामिल हैं तो आपको कुछ सफलता मिलने की संभावना है। छात्र सुस्ती से दूर रहें, अधिक पैसा बर्बाद होने की संभावना बन रही है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग अपने आत्मविश्वास में वृद्धि पर ध्यान देंगे। इस सप्ताह मौद्रिक लाभ के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। आपके गुस्से का प्रयोग, कोप और अहंकार आपकी छवि को खराब कर सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको कई आधिकारिक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों और अपने जीवन साथी की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापारियों को लाभ कमाने का अवसर मिलेगा और छात्रों को आज अतिरिक्त प्रयास में लगना होगा अगर वे अपने प्रयास में सफल होना चाहते हैं। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। अपने बॉस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहस में न पड़ें। आपको अपने काम में कई बाधाओं से जूझना पड़ सकता है। आपके दुश्मन आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके खर्च अधिक होंगे और विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा।